हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्मार्ट न्यूज़। योर स्मार्ट न्यूज़ में आज आपका यहाँ पे स्वागत है। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं, ठाणे में देखा जाए तो कोरोना वायरस के संक्रमण आज 12 नए मामले देखने को मिले हैं। तो लगातार देखा जाए कहीं ना कहीं कुछ जिलों में आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार एक बार फिर से चिंतित में आ चुकी है। चौथी लहर की तैयारियां भी शुरुआत हो चुकी है। किस प्रकार हमें देखा जाए तो मामलों को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से जून जुलाई में कहीं आंकड़े फिर से तेज़ी से ना बढ़ जाए। और इसी के साथ जिले में देखा जाए कोरोना वायरस संक्रमण के 12 नए मामले आज ठाणे में सामने देखने को मिले। अब कुल संक्रमितों की संख्या 7 लाख के पार हो गई है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दिया है कि उन्होंने कहा है कि यह नए मामले शनिवार का सामने आया है। अधिकारी ने यह भी बताया है कि जिले में पिछले 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है और मृतकों की संख्या देखा जाए तो 11,000 के पार हो चुकी है ठाणे में। उन्होंने बताया है कि ठाणे में कोविड-19 मृत्यु दर 1.67% है। एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि पड़ोसी जिले पालघर में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है, जबकि मृत्यु की संख्या 3,000 के पार है। हालांकि मुंबई में और महाराष्ट्र में और भी देखा जाए आंकड़े हर एक जिले में थोड़े ही देखने को मिल रहे हैं, मगर फिर भी हर जिले में अब आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और ये अब चिंता का विषय बन चुका है मुंबई महाराष्ट्र में। आंकड़े बढ़ने की वजह से इसलिए केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर रखा गया क्योंकि सबसे ज़्यादा आंकड़े महाराष्ट्र में देखने को मिले थे।